इनके लब रंगी मिठावर के जिसने वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सारे सवाल खाने पीने ही के ताल्लुक से हैं, सवाल पढ़कर मुझे भी भूख लगने लगेगी। सवाल ये है कि जो बर्गर कंपनियां 30 मिनट में ना पहुंचने पर फ्री देने का दावा करती हैं, अगर वो कंपनी का डिलीवरी बॉय 30 मिनट में ना पहुंचे तो क्या फिर उस बर्गर को फ्री में खाया जा सकता है? तो क्या ये हारी हुई शर्त का पिज़्ज़ा वगैरह नहीं होगा? तो क्या इसको खा सकते हैं या नहीं खा सकते? सवाल आपका बहुत अच्छा है और ऐसे सवाल लोगों के जहन में अक्सर आते नहीं हैं, लेकिन ये कि जो बर्गर पिज़्ज़ा के गोदाम में ज़्यादा रहते हैं, खाते पीते हैं, तो उनके जहन में ज़्यादा ऐसे सवाल आते हैं। तो इस किस्म का पिज़्ज़ा के जो कंपनी का ऑनर ये स्कीम निकाले कि हम इसको आपके घर पे 30 मिनट में इसको पहुँचा देंगे, अगर वो नहीं पहुँचा सकता तो कंपनी के मालिक का दावा है कि ये आपको फ्री दिया जाएगा, तो आप ये समझते हैं कि ये एक किस्म से कोई जुर्माना है या कोई शर्त है? तो ऐसा नहीं है। शर्त के अंदर एक तरफा लगाई गई शर्त वो जायज़ होती है। मसलन ये कि मैं ये कहूँ कि आप इतने मिनट में ये काम कर दें, अगर आपने कर दिया तो मैं आपको बदले में ये चीज़ या टॉफ़ी या चॉकलेट जो भी है वो दूंगा, लेकिन नहीं कर पाए तो आपसे कुछ नहीं लूँगा। तो क्योंकि ये सिर्फ मेरी तरफ से लगाई हुई शर्त है, अगर आप इसे पूरा कर दें तो मैं आपको बतौर इनाम अपनी शर्त के मुताबिक सामान देने का अहल हूँ, तो मैं दे सकता हूँ और आप उसको ले सकते हैं। तो वैसे ही कंपनी के मालिक का ये दावा है कि आप पिज़्ज़ा बुक करें, 30 मिनट में आपके घर में ये पिज़्ज़ा पहुँचेगा, अगर नहीं पहुँचता तो हम ये फ्री देंगे, आपसे पैसा नहीं लेंगे, लेकिन अगर पहुँच गया तो आपसे कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा। तो ये शर्त जो है वो एक तरफा है। तो ऐसी सूरत में आप इस पिज़्ज़ा को खा सकते हैं अगर ये कंपनी वाला लड़का लाने में देर कर दे। और दूसरी बात यह है कि काफिर का सामान या माल जो काफिर अपनी खुशी से दे तो उसको मुसलमान को लेना ये जायज़ है, जबकि उसमें उसकी कोई इज़्ज़त शिकनी ना हो, उसको कोई ज़िल्लत पे पेश ना होना पड़े, ऐसा काम ना करना पड़े उसके बदले, तो इस हिसाब से वो। और दूसरा ये कि काफिर को धोखा भी ना दिया जाए, क्योंकि धोखा काफिर को देना भी शरीयत में जायज़ नहीं, तो वो अपनी खुशी से दे तो उसका लेना जायज़ है। तो यहाँ दोनों वो बातें पाई जाती हैं, एक तो एक तरफा शर्त वाली कि वो कंपनी का ऑनर ख़ुद कहता है कि जी अगर मैं नहीं पहुँचा तो ये फ्री मिलेगा, आपने उस पर कोई मुतालबा भी नहीं किया, आपने सिर्फ ऑर्डर बुक किया, अब वो ख़ुद पैसा नहीं लेना चाह रहा है, कंपनी की स्कीमें को फ्री देती है तो ले सकते हैं। दूसरा ये कि माल मौजी नसीब गाजी, तो इस एतबार से भी आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा भी एक जायज़ चीज़ है, तो उसका लेना खाना वगैरह ये जायज़ है। अलबत्ता इसमें इतना ख्याल ज़रूर रखा जाए कि जब डिलीवरी बॉय को जो एड्रेस लिखवाया जाए उसमें उसे धोखा ना दिया जाए कि 30 मिनट तक वो बंदा पहुंच ही ना पाए। मसलन ये कि कॉल करके बोल दिया कि पिज़्ज़ा लाना है और एड्रेस लिखवाया मंगल ग्रह का, तो ना बंदा पहुंच पाएगा आधे घंटे में, ना आपका पिज़्ज़ा आएगा, या गलत एड्रेस लिखवाया वो गेट बंद है या बंदा नहीं पहुँचा, फिर उसको दूसरी जगह बुलवाया जा रहा है। तो इस तरह से धोखा दे के काम ना चलाया जाए, जो प्रॉपर एड्रेस वो दिया जाए, और मोस्टली ये लोग जो है ना नियर बाई ब्रांच से ही कॉन्टेक्ट करके आपको पहुंचा देंगे, तो ये फ्री की आरजू तो आपकी शायद पूरी नहीं हो पाएगी, पैसे देकर ही खाना पड़ेगा। पत्थर में